हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आज हम खेलने वाले हैं पासिव ब्लडर 2। और पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैंने अपनी नई गाड़ी खरीदी है, बट ऑफलाइन बैठकर, और कुछ कस्टमाइज भी किया है। ये है मेरी नई गाड़ी, और मेनली ऑफ रोडिंग के लिए बनी हुई है। और मैंने अपनी सेकंड गाड़ी पे कुछ इंजन अपग्रेड किए हैं, और ये स्पोक लगाया है, कलर चेंज किया है, विंडो का कलर चेंज किया है, बिकॉज मैं इनविजिबल हूँ कुछ। तो आपको भी एक फनी चीज दिखाता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं अपने सेकंड गैराज में जाता हूँ। सब देख सकते हो, पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा वो तो है कि आप देख ही सकते हो, बाहर से पूरा ऑरेंज दिख रहा है, और कोई लाइक कष्ट करके कोई बंदा मुझे देख पा रहा होगा, बट अंदर से मैं सब कुछ देख सकता हूँ। देख सकते हैं यहाँ, मैं जो कह रहा था, इस गाड़ी पे पेट्रोल बहुत देर रहता है, और ये गाड़ी 200 तक उठ जाती है कभी कभी। एयरपोर्ट इज द बेस्ट प्लेस टू सी यू। सो एज यू आई सेड पहले ऑफ द वीडियो या तो हिंदी बोल लेता हूँ या तो इंग्लिश बोल लेता हूँ। तो एज मैंने कहा था कि अच्छा चलो पूरी हिंदी बोल लेता हूँ, तो मैंने वीडियो के मैं ड्राइविंग स्किल में एकदम ठू हूँ। तो मैंने वीडियो के पहले कह दिया था कि एक ऑफ रोडिंग गाड़ी है, तो हम आज टेस्ट करने वाले हैं एक ऑफ रोडिंग की गाड़ी को। मेरे लिए आज हम इसको टेस्ट करने वाले हैं। ऑलरेडी 26 किलोमीटर चल चुकी है। सो हाँ, ज़्यादा देर में ऑफलाइन नहीं खेलता हूँ, बिकॉज सब मेन चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, बट जब बैठा रहता हूँ तब। इंटरेस्टिंग चीज बताऊँ जिसके लिए मुझे एकदम अपना विंडो कलर पहले करवाना पड़ा। ये देखो, मैं इनविजिबल, गाड़ी खुद चल रही है, गियर्स भी टर्न हो रहे हैं, यहाँ से देख सकते हो ये भी हो रहा है, ये भी टर्न है। ये दोनों गाड़ी, ये है रेनॉल्ट की मेरी पहली गाड़ी, ये बहुत अच्छी है, 82 किलोमीटर चल चुकी है। और अगर मेरी सबसे फेवरेट है उसकी, उसके बारे में मैं कुछ आपके बाद वीडियोस में बताऊंगा ये गाड़ी क्यों मेरी सबसे फेवरेट है। इस वीडियो पे अभी उसको रहने देते हैं। और जैसे तो मैं इनविजिबल हूँ, और लोग मुझसे ना डरे, इसलिए मैंने मेरी मेन दो गाड़ी जो मुझे सबसे अच्छी लगती है, लाइक ये गाड़ी, मैं थू गाड़ी है, आई डोंट लाइक इट यू थू। और देख सकते हो, मैं जब गन पकड़ता हूँ मेरी स्किन आ जाती है, इस पर जितना भी 15 हटेगा नहीं, आई थू गाड़ी, थू गाड़ी, आई डोंट, आई हेट यू गाड़ी, थू एकदम थू गाड़ी है। मैंने गलती से खड़ी किया था, प्रेस बटन पे प्रेस हो गया था, कुछ कर भी नहीं सकते थे, रख लिया, बेच भी नहीं सकते। और कल हमारी एंकोर पॉडकास्ट की लास्ट डे है, और जब मैं बैट पकड़ता हूँ भाई, ये कैसे भूतों की तरह उंगलियाँ है मेरी भाई, ये कैसे नाखून है मेरे हैं। और मैं जब भी फिर से करता हूँ, आई वेयर अ जैकेट, और जब भी मैं बैट पकड़ता हूँ मेरी हाथ खाली होती है, और यहाँ तो पूरा ही हाथ मेरा कवर अप है, तो भाई कैसे भूतों की तरह नाखून है मुझे खुद से डर। सो अभी इस गाड़ी की इंजन आवाज़ को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं। आवाज 100 पे, ठीक है, गाना। सबसे ज़्यादा घड़। तो ये गाड़ी मेरी सबसे फेवरेट है। इसके बारे में मैंने कहा था कि अभी रीज़न नहीं बताऊँगा, बाद में बताऊँगा रीज़न, ठीक है। दो सुपर कार्स रहते भी मेरी ये गाड़ी क्यों फेवरेट है, इसके बारे में बहुत ज़रूर बताऊँगा। इसके बारे में मैं आपको एक अलग से लाइक वीडियो पे बताऊँगा, उसके लिए वेट करना। तो अभी मैं सबसे बेस्ट ऑफ रोड खोज रहा हूँ, अच्छा वही है।
मेरे पीछे उस साइड ही एक ऑफ रोड है, तो मैं घुमा लेता हूँ। इस गाड़ी की उतनी खास आवाज नहीं है। मैं अब पहले ऑफ रोडिंग करके दिखाऊंगा, या पहले आपको हाउसेज, ये एक हाउस है आप एज यू कैन सी, ये यहाँ एक हाउस है और एकदम सिटी के बीच ही है, और एकदम थोड़ा सा सिटी के साइड पे एक निर्जन थोड़ी सी जगह पे, साइड में रोड है तो रोड साइड कह सकते हो। इस पे तीन गैराजेस हैं और इस पे इसका दाम है $300 ऐसा कुछ था, पता नहीं मुझे डॉलर्स पे मुझे कन्वर्ट नहीं करना था, मुझे पता नहीं कितना डॉलर्स था। आई थॉट ये 3 करोड़ रुपीस दिखा रहा था मुझे, रुपीस नहीं डॉलर्स पे दिखा रहा था, बट मैंने कन्वर्ट कर लिया। मैंने झूठ कहा क्या, मुझे कन्वर्ट नहीं करना। सो ये दिखा रहा है 2 करोड़ के आसपास। इस पे मेनली 3 गराजेस हैं, मतलब आप 3 गाड़ियां अंडर साइड रख सकते हो। इसका दाम था कभी 1 करोड़ से, बिकॉज इस पे सिर्फ 2 गराजेस हैं, उतना बड़ा भी नहीं है। कर देते हैं ताकि आप देख सको कि गाड़ी कैसी कर रही है काम। तो गाड़ी के टायर्स हमें अभी भी नहीं दिखे, बट सस्पेंशन गाड़ी की तो फिसल नहीं रही, ऐसा भी नहीं है। ये देखो कितने उखड़े रास्ते से लग रहा है, गाड़ी एकदम फिसल रही है। गाड़ी कितनी स्मूथ तरीके से चल रही है, दूसरी गाड़ी होती तो उलट पलट जाती, बट ये ठीक ठाक ले रहा है। बहुत ही कम रोड है, मेरी गाड़ी आज बैलेंस हो रही है, बट अब हम प्लेन रोड पर आ चुके हैं। गैराज पे तो मैं 2-3 खरीद लेता हूँ, कोई बात नहीं है। तो मैं हाँ 285। सो पिछले वाले वीडियो में आपने देखा यहाँ हमारी डेमन गाड़ी जो है 300 मिनिमम क्रॉस कर चुकी थी, ठीक है। अब आज कभी और वीडियो पे हम टेस्ट करेंगे लैम्बोर्गिनी कितनी क्रॉस करती है। सो हमारी तो पहले हम देख लेते हैं इसकी टॉप स्पीड कितनी है, लेते हुए 6 गियर में आ चुकी है ये। ओके 206। अगर थोड़ा सा और जगह मिलता, दिस इज नॉट एनफ आई थॉट, अगर थोड़ा सा और जगह मिलता तो 250 तक हो जाता, मुझे पता नहीं कितना होगा, बट और थोड़ा सा अगर जगह मिलता, बट इतना ही है। मैंने फिर से शुरू कर दिया है सीधा 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 सीधा, 6 गियर पे जाने वाली है, 6 गियर, न्यूटन न्यूटन न्यूटन, लगा 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 आराम से
और गाड़ी कितनी स्लिम थी। अब मैं देखा, मैंने तो मैं अभी थोड़ा सा पेट्रोल पंप से भरवा लेता हूँ, मेरे पास कैनिस्टर है। कैनिस्टर आसानी से नहीं मिलता, तो इसलिए ट्राई करता हूँ करूँगा। तो मैं आप दिखा चुका हूँ कि इसकी ऑफ रोडिंग क्वालिटी कैसी है, ये क्वालिटी कैसी है। सो हाँ, गाड़ी की है तो 49 या 50। हाँ, मैं जो कह रहा था, गाड़ी ठीक भी है और देख सकते हो यहाँ लोडिंग के पास तो भी डाल सकते हैं। मेरा एक अभ्यास बन चुका है इन परचेस की थी। अरे इतनी जल्दी नहीं, मैं गाड़ देखूंगा। और ये शार्क जो मैंने परचेस की थी, ये है क्लासिक और इसका यहाँ से घूमता है ये काफ़ी छोटी, और इसका इंटीरियर भी ठीक ठाक है। ये मैं एक बार खरीद मेरा जो मैं ये गेम एक बार एक साल पहले भी खेलता था, तब मैंने क्या हुआ गाइस, थोड़ा सा लैग हुआ था। तो मैं 13 साल पहले यही आया था और मैं शार्क नहीं खरीद पाया था। मैंने पिछली बार चीज़ल भी नहीं खरीदा था, चीज़ल मुझे फ्री में मिली थी एक्चुअली। मैं क्या इस गेट का, अरे फिर से जिंदा हो गई है। ओ भाई, भूत भूत तो नहीं हो तुम, ये मरती नहीं है, इसके सीने पे दूंगा। चुप गाइस, मैंने देखा है हार्ट या सीने जिसको कहते हैं, सीने या हेड पे देने से देखो कैसे सीने या हेड पे देने से एकदम मर जाते हैं। तो ये जब एक साल पहले, अब तो बहुत अपडेट आया है, अब जो अपडेट नया अपडेट है, अब इस अपडेट पे आपको खुद की गाड़ी चूज करने को मिलती है। ऐसा एक स्क्रीन आता है, ऐसा एक लंबा सा स्क्रीन आता है, और ये ऐसा ही एक लंबा सा स्क्रीन आता है, और स्क्रीन पे 3 बक्से ऐसे लंबे लंबे दिए होते हैं, उस पर लिखा होता है, 3 गाड़ियों की पिक्चर दी गई होती है। एक नॉर्मल गाड़ी की पिक्चर दी होती है जो उतना खास नहीं है, नॉर्मल है, और जो बहुत चीप टाइप के हैं।
उसपे तीन गाड़ियां लिखी होती है, मुझे तीन और दो गाड़ियों के नाम भी नहीं पता, बट मुझे रेनॉल्ट सबसे अच्छा लगता है। इसका रीजन मैं उसको जरूर से बताऊंगा, मैंने आप कह ही दिया, तो वो मैंने परचेस कर ली। बट जब एक साल पहले मैं खेलता था तब आपको ये चीज़ें फ्री पे मिल जाती थी, उसके बाद आप पैसा कमा 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 करके आप गैरेज खरीदो, बंगला खरीदो, ये खरीदो। सो ये मुझे पहली गाड़ी मिली थी, सो एक तरफ से मेरा ठीक ही करा था। और तो पिछली बार पारे इसको इतनी जल्दी है और ये अभी भी जिंदा नहीं हुई, और पिछली बार पिछले वाले जो अकाउंट था उस पर मेरा शार्क शायद से खरीद लिया था, और नहीं मुझे पता नहीं मैंने खरीदा था या नहीं, तो मुझे पता नहीं मैंने खरीदा था या भी नहीं। और ये गाड़ी मैंने खरीदी थी, मुझे याद नहीं मैं खरीद पाया था, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये गाड़ी खरीदी थी मैंने पक्का पक्का, और ये गाड़ी मैं नहीं खरीद पाया था, ये सब लॉक थी। ये भी मैंने नहीं खरीदी थी, उड़ीसा आदत क्या है, ये मैंने पक्का सा खरीदा था, ये मुझे फ्री पे मिला था। और ये भी मुझे पता नहीं बहुत दिन हो गए, एक साल इज अ लॉन्ग टाइम, और इसको बहुत असुविधा, अगर आगे मुझे मैंने देखा ये लड़की जिंदा है तो मैं इसको एकदम गाड़ी से चला दूंगा। सर हमारी गाड़ी का लाइट ऑन था, गाड़ी पे आपको देख सकते हो पीछे दो सीट भी मिलती है, जहाँ आप टैक्सी ड्राइविंग का अगर जॉब कर रहे हो। सो यहाँ ड्राइवर के बिना मैं क्या करूँ, हाँ अरे ठुकी हमारी गाड़ी थोड़ा सा साइड पर ले जाता हूँ। तो ड्राइवर के बिना दो सीट मतलब तीन जन की सीट की व्यवस्था की गई है, और यहाँ भारी भरकम लोड लेने की व्यवस्था भी की गई है। यहाँ लाइक रियल लाइफ पे ये गाड़ी इतना लोड ले सकती है, लेने की जगह दी गई है, बट इस वर्ल्ड पे सिर्फ आपको छोटे छोटे मिशंस पे कुछ बैग या बैड वैड लेने होते हैं जो एकदम ही हल्के होते हैं। ये गाड़ी आराम एकदम एक उंगली की बात होती है, कुछ पैसों से बड़ा बैग, जब हम माफिया जॉब कर रहे होते हो तब आपको कुछ पैसों से बड़ा बैग चुराना पड़ता है, ATM चुरानी पड़ती है, कुछ ट्रेलर्स कनेक्ट करनी पड़ती है, ऐसा ही है। तो ट्रंक का उतना बड़ा इशू नहीं है, छोटे छोटे है, मैंने जो दिखाया शार्क पे जितना स्पेस है वो एकदम परफेक्ट स्पेस है। मैं और मेरे नाम एक किताब है, अचीवमेंट है मेरे अकाउंट पे, गूगल प्ले अकाउंट पे, जो है ब्रिंग डाउन 250 सिटीजन्स। अरे भाई ठोकड़ोगी मैं आस्ते आस्ते सीख रहा हूँ, ड्रिफ्टिंग भी थोड़ी थोड़ी सी आ रही थी, वो भी शार्क पे। इस पे से ज्यादा ये जल्दी रुक जाती है। हैंड ब्रेक दबाने से कितना जल्दी जमता है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। बड़े 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 हैंड ब्रेक भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। वैसे टैक्सी जॉब्स करने के लिए भी इस पर स्पेशल अमाउंट ऑफ स्पेस दिया गया। सो आज की वीडियो बहुत लंबी बन गई है, पिछली वाली वीडियो भी बहुत लंबी बन चुकी थी। गुड बाय, नेक्स्ट वीडियो ऐसे ऐसे, टाटा बाय बाय, गुड बाय, आई एम साइनिंग ऑफ, इट्स योर डॉग गोइंग फॉर रेस्ट, गुड बाय।